और उसी के साथ साथ ये इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो आप, अगर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ आप खेल भी सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है गाइस। और हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दो वॉचेस को, एक तरफ है गिज़मोर की क्लाउड और ये है क्लाउड बेसिकली गिज़मोर की, देख सकते हो इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, उतनी अच्छी नहीं है वॉच, बट देखते हैं यहाँ पे। ये सेम कॉपी है क्या DT8 मैक्स की? तो ये DT8 मैक्स है मेरे पास और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे वैसे कैप्सूल साइज़ देख सकते हो किसका कम है किसका ज़्यादा है, और साइड बाय साइड आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, एक आपको रिंग मिल जाती है और रोटेटेबल है, और यहाँ पे आपका ये सेकंड बटन भी मिल जाती है, स्टेनलेस स्टील की है ये वाली DT8 मैक्स और ये आपकी एल्युमिनियम की बिल्ड है, और यहाँ पे गिज़मोर की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस ये जो वॉच है वो तो आपको कम प्राइस में मिलती है, ये आपको 2500-2600 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाती है, कम प्राइस में ज़्यादा ही मिलती है इससे, ये आपको जो मिल जाती है 1199 या 1299 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब गाइस दोनों को ही मैं सेल कर रहा हूँ, अगर आपको बाय करना है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, और वही है कि मतलब मैं चार्जेस आपको बता दूंगा, और यहाँ पे 42mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का इसमें लगा सकते हो, इसमें भी आपका 42mm का स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का इसमें लगा सकते हो, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा था कि मतलब ये सेम कॉपी करती हैं क्या जो आपकी ये वाली वॉचेस होती हैं, जो गिज़मोर की वॉचेस होती हैं या मतलब पेबल की वॉचेस होती हैं, वो एग्जैक्टली कॉपी करती हैं इन सब वॉचेस की, तो वो मैं जानना चाह रहा था। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी आप देख सकते हो साइड बाय साइड, और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हो, इवन गिज़मोर से ज़्यादा बेटर डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को इसकी लग रही है DT8 मैक्स की, तो डेफिनेटली DT नंबर वन जो है बेसिकली। और यहाँ पे साइड बाय साइड आप देख के बता सकते हो, आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन सी बेटर लग रही है। एज टू एज डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, थोड़ी सी बड़ी मोटी चिन मिलती है इसमें, ठीक है, और रोटेटेबल क्राउन तो मिल जाता है। स्पीकर माइक कमेंट, ये रहा स्पीकर कमेंट, और यहाँ पे ये रहा माइक कमेंट, ठीक है। नीचे वाले बटन से आपका यहाँ पे जो रिसेंट कॉन्टेक्ट रिसेंट चीज़ें वो खुल जाती है, यहाँ पे नीचे से यहाँ पे ऑफ हो जाती है, मतलब ऑफ हो गई क्या पूरी, ओके। यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और गाइस मेरे ख्याल से इसमें भी आपका लॉक वाला ऑप्शन मिल जाएगा मेरे ख्याल से, अभी हम चेक कर लेते हैं। इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग ऐसे कर रखा है, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा ही फीचर्स मिलते हैं आपको, ये रहा पासवर्ड प्रोटेक्शन इसमें मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे पासवर्ड खोल लेता हूँ पहले, सबसे पहले ओके। यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ चेक करेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी चेक नहीं करूँगा मैं क्योंकि एक्यूरेसी डाउन ही होती है। यहाँ पे ऊपर की साइड से ये क्रॉसबीट की ग्रेनाइट S4 की तरह आपको मिल जाता है, एक्जैक्टली क्रॉसबीट भी कॉपी करता है, चाइना से उठाता है माल और अपना नाम चेप देता है, दैट्स इट, तो वही है ये वॉच, क्रॉसबीट की ग्रेनाइट S4 ही मान सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से वाटर लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरीके से मैन्यू मिल जाता है, और यहाँ पे यही सारी चीज़ मिलती है, और यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी पता चल जाएगी, ये रहा। तो गाइस डिस्प्ले की ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा है, बट हम यहाँ पे एज टू एज डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, ये इसमें अच्छा है। टैप करते हो यहाँ पे, आप होम पे आते हो, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका वॉच फेस चेंज होने लगते हैं, तो इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे आई वॉच वाला मेन्यू ऊपर हो जाता है, यहाँ पे टैप करते ही ऑफ हो जाती है। आई वॉच वाला मेन्यू कहाँ से खुलेगा? यहाँ पे मेन्यू इधर से खुलता है आपका, ये रहा मेन्यू स्टाइल, ये रही आई गेस नीचे वाले से, नो नीचे वाले से भी नहीं खुल रहा है, इधर से ओके, नीचे की साइड से मैं नहीं खुल रहा है, और इस तरीके से, और थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ है गिज़मोर की वाली में, ये थोड़ा सा ये भी स्मूथ ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप मेरे को ज़रूर बताना अगर आपको लग रहा हो कुछ डिफरेंस, तो ठीक है। नीचे की साइड से स्वाइप करने पर मेन्यू ओके ओपन हो जाता है दोनों में ही, लेफ्ट साइड में आपको ये तो है ही है, राइट साइड में स्वाइप करने पर आप वापस से खुल रहा है क्या मेन्यू? नहीं, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पर भी स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर और चीज़ चेक कर लेते हैं, और क्या रह गई है यहाँ पर मेन्यू, यहाँ पे टैप करके मैंने खुल जाता है, इसको डबल टैप करके आप UI भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे नीचे की साइड से जब आप खोलते हो इसको डबल टैप करके इसमें भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से वाला मेन्यू नहीं मिलता शायद, चेक करते हैं, नहीं गाइस ये वाला टाइप का मेन्यू नहीं मिल रहा इसमें, ओके या यही है क्या, मतलब हो सकता है क्या पता यही हो, बट हम वो वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला टाइप का, इसमें थोड़ा आसान रहता है, मतलब डबल टैप करके यहाँ पे तो बहुत सारे मिल जाते हैं DT8 जो मैक्स है बेसिकली, ये वाला है कि ये वाला है, ओके ओके ये रहा, ठीक है। यहाँ पे डायल का ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले नंबर को डायल करके देखते हैं लाउडनेस किस में बेटर मिलती है, ये तो हमारा गिज़मोर की वॉच हो गई, देखते हैं। लाउडनेस अच्छी है बट यहाँ पे ट्रांसफर करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें
ये रहा फोन। तो गाइज इसमें भी कोई भी ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से मिल जाता है। लाउडनेस तो इवन सिमिलर ही मिलती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो गाइज इसमें भी कहीं भी ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, और लाउडनेस तो मेरे ख्याल से सिमिलर ही है इसमें भी, जैसे उसमें मिलती है आपको सेम। और इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। तो गाइज अब हम और चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो है मेन जो मेन्यू है, यहाँ पे डायल के बाद कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे डायल के बाद कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे सेव कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो। और उसके बाद कॉल लॉग मिल जाता है, फिटनेस डाटा है, स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। इसकी एक्यूरेसी तो उतनी अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है। इसमें सेंसर एक ही लगा होता है, वही बस लाइट ब्लिंक करती है, यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर नहीं होता है, ठीक है। अलार्म पे वाइब्रेट होता है, और वॉच से ही लगा, एप्लीकेशन से ही लगा सकते हो। ईसीजी मॉनिटर मिल जाता है, इसमें भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे यहाँ पे ब्लड प्रेशर है, और इसमें वो कहाँ गया, गिज़मोर में हार्ट रेट मॉनिटर गायब हो गया क्या यहाँ से, आई डोंट नो यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे NFC का सपोर्ट मिल जाता है, DT8 मैक्स में QR कोड है, GPS ट्रांजिशन मोशन है, और फ्लैशलाइट मिल जाता है, अलार्म क्लॉक। अलार्म DT8 मैक्स में आप लगा सकते हो, इसमें आप वॉच मेट सेल्फ नहीं लगा सकते अलार्म, तो ये इसमें फ्लॉ है। कैलकुलेटर मिल जाता है, इसमें भी कैलकुलेटर मिल जाता है दोनों में ही। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट दोनों मिल जाता है, और यहाँ पे ड्यूअल मोड, यहाँ पे टेंपरेचर मॉनिटर मिल जाता है DT8 मैक्स में, जबकि एयर प्रेशर मॉनिटर भी मिल जाता है, गेम्स भी मिल जाते हैं, जबकि इसमें गेम्स मतलब इसमें वो है ही नहीं ऑप्शन, टेंपरेचर मॉनिटर का कहीं भी सेंसर नहीं दिया गया उसके बावजूद भी, तो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इसमें गेम्स का ऑप्शन, आई डोंट नो यहाँ पे गेम्स का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, इसमें गेम्स नहीं है बेसिकली, तो इसमें आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। तो ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें। अब गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे हाथ पे रख के देख लेते हैं, पहन के नहीं देखेंगे, रख के देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से कैसे एक्यूरेसी मिलती है। बट अगेन नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा लेंगे इसके स्ट्रैप, फिर हम हाथ में पहनेंगे इसको, कैसी लग रही है, और बताना भी तो आपको लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए कौन से रिस्ट के लिए आपके लिए बेटर रहेगी। तो यहाँ पे ये आ चुका है एकदम स्ट्रैप्स, इन दोनों के इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट 42 mm के स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये लग चुका है, और इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा इजीली लग जा रहा है, निकलेगा भी नहीं, इजीली लग तो जा रहा है, बट यहाँ पे निकलता नहीं है, ये अच्छी बात है, यहाँ पे स्नग फिट रहता है। तो गाइस दोनों ही लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट हैं, बट थिन रिस्ट पे डेफिनेटली ज़्यादा बड़ी लगेगी। थिन रिस्ट मतलब 5 cm के रिस्ट हैं आपके, तो चल जाएगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, उसकी डिस्प्ले बड़ी ही है, ऑब्वियसली बात है आपकी DT8 मैक्स की, इसकी थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो साइड बाय साइड लुक और फील तो दोनों का ही प्रीमियम आ रहा है, इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। हार्ट रेट SpO2 चेक कर लेते हैं एक बार, वैसे चेक करने वाला बनता तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्यूरेसी तो है नहीं यहाँ पे। हार्ट रेट ये रहा हार्ट रेट देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको मतलब अगर चाहिए ही एप्पल क्लोन, तो ऑब्वियसली बात है आपको इस तरीके के एप्पल क्लोन ले लेनी चाहिए, क्योंकि सेम ही मतलब काम करता है। देखो एक्यूरेसी डाउन है, एकदम बेकार है यहाँ पे, कम से कम हार्ट रेट तो सही तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पे देखो कितना कम दिखा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे पीछे रह जाती है आपकी ये वाली वॉच गिज़मोर। अब मैं एक्यूरेसी किसके साथ दिखाऊँ आपको, जो आप यकीन करोगे, यहाँ पे ऑक्सीमीटर के साथ दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइज़ यहाँ पे जीतती तो यही वाली वॉच है DT8 मैक्स, इससे ये सस्ती भी है ऑब्वियसली बात है, बट अगेन आपको एकदम सस्ती एप्पल कॉपी चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा आपको बेटर चाहिए वॉच तो आप इसके लिए जा सकते हो। बट अगेन देखो यहाँ पे भी इसमें भी एक्यूरेसी नहीं है, 87 दिखा रहा है और इसमें आपका 73 है, तो एक्यूरेसी तो दोनों में ही वॉचेस में नहीं है, ठीक है। तो लुक्स के लिए चाहिए आपको, कॉलिंग फैसिलिटी के लिए चाहिए तो आप चूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे पर्सनली उस चीज़ के लिए एक्यूरेसी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो गाइस ये था एक डीप डाउन कंपैरिजन DT8 मैक्स वर्सेस गिज़मोर क्लाउड के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। तो गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।